हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीता ट्यूटोरियल क्लासेस। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं इसी को अपने अपने टैगलाइन बना करके लिखता हूं कि आप अपने परिवार के साथ रहिए स्वस्थ और संजीत राय ऑनलाइन क्लास के साथ रहिए मस्त। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, चैप्टर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब ये चैप्टर बिलोंग करता है हमारे उस सीख से कि हम अपने जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ पर हम खुद तो सेफ रहें ही, साथ में हमारे साथ साथ जो अनदर ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको भी सेफ करके रखें। तो इसी से ये चैप्टर बनता है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि हम दूसरे प्लांट और एनिमल को क्यों कंजर्व करें, वो हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो बायोडाइवर्सिटी। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? जैसे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि इस अर्थ पे आपने केवल, क्या आपने इंसान ही देखे? तो आप कहेंगे नहीं सर, हमने इंसान के अलावा और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे। तो आप अपने जरा अगल बगल की चारों तरफ दृश्य दौड़ा लीजिए, तो आपको मिलेंगे कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स भी दिख जाएंगे। हो सकता हो आपके अलावा, इंसानों के अलावा आपको दूसरे जानवर भी दिख जाएं, कहीं आपको भेड़ दिख जाएं, बकरियाँ दिख जाएं, हाथी दिख जाएं, दूसरे बहुत सारे प्रकार के, आपको सुबह सुबह आपको हो सकता है जगाने के लिए बहुत सारी चिड़ियाँ ही चहचहाती हुई, उन्हीं की आवाज़ से आप अपने दिन की शुरुआत करते हो। तो ये सब जो आप एक पर्टिकुलर एरिया में रह करके आप इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो हुआ तो जो आपने आंखों से देखा, यानी उसमें प्लांट भी दिख गए और एनिमल भी दिखे, लेकिन जो न दिखाई दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, क्योंकि भाई उनके अंदर भी जीवन है, यानी इस अर्थ पर जितने भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें सारे प्लांट ले लीजिए और सारे एनिमल ले लीजिए। एनिमल मतलब आप एक छोटे चींटी से लेकर के जमीन पर रहने वाले बड़े से हाथी तक, और समुद्र में रहने वाले एक छोटी एलगी से लेकर के एक बड़े से वेल तक, जितने भी रूप आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दिखते हैं, कहाँ पे दिखते हैं? इस अर्थ पे दिखते हैं। तो इन्हीं अलग अलग लाइफ फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी हमारी जो धरती है इतने प्रकार के बायोलॉजिकल इक्विपमेंट से क्या इनरिच्ड है, तो इसी को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो इसका डेफिनेशन ये बनती है, द डिफरेंट लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यहां पे आप एक वर्ड द डिफरेंट लाइफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, यानी आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो रूप दिखते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी के बाद आपने देखा होगा ये बायोडाइवर्सिटी समुद्र से लेकर के जमीन तक है, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में हम कहीं के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करें? स्टडी करें। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करते हैं तो हम देखते हैं, जैसे आपने कह दिया कि आप एक छोटा सा कोई आइलैंड ले लीजिए, तो आप उस आइलैंड में देखेंगे तो आइलैंड में आपको पेड़ भी दिख जाएगा, हो सकता हो वहाँ पर आपको कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म भी दिख जाए, हो सकता हो वहाँ पर आपको बहुत सारी तालाब दिख जाए, मछलियाँ दिख जाए, पहाड़ दिख जाए। तो उस पूरे जमीनी एरिया में जो वहाँ पर रहने के लिए पूरा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतने सारे ऑर्गेनिज्म फ्लोरिश और फर्निश हुए हैं, तो वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर कहलाएगा। तो सोचिए हमारा बायोस्फीयर कितना बड़ा है, यानी जितना जमीन आप इंडिया से लेकर के आप रसिया तक, और उधर चाइना से लेकर के इधर आप यूरोप तक जितनी भी जमीन देखते हैं, ये पूरा एक इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल दिख जाएंगे। तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर कहलाएगा। तो देखिए वही मैंने लिखा है, द पर्टिकुलर लैंड और एटमॉस्फेयर वेयर डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिस्ट, आर छूट गया बच्चों यहां पे, आर एग्जिस्ट कॉल्ड बायोस्फीयर। माने इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? बायोस्फीयर कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्पीसीज। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा स्पीसीज, देखिए स्पीसीज को अगर हम अपने लोकल वर्ल्ड में कहें तो उसको हम लोग कहते हैं जाति। अब क्वेश्चन ये होगा कि अब आप इसकी नहीं बात करेंगे कि सर कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, ये सब नहीं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सब क्या ह्यूमन हैं। तो यानी चाहे इंडिया के ह्यूमन की बात करें
या अफ्रीका की ह्यूमन की बात करें या चाइना की ह्यूमन की बात करें या अमेरिकन ह्यूमन की बात करें, तो हम सभी में वही एक ही सिमिलर स्ट्रक्चर है कि उनकी दो आँखें हैं, नाक है, दांत है, कान है, मुंह है, एक एलिमेंट्री कैनाल है, फेफड़ा है, दिल है, एक्सेट्रा, उन सब में वो कॉमन है और हम सब एक ही जैसे करेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए हम लोगों की जाति क्या होगी, सेम गॉन, उस जाति का नाम क्या है, ह्यूमन। बात समझ में आ गई, तो उस जाति का क्या नाम है, ह्यूमन। लेकिन अगर हम अपने से किसी अलग प्लांट या एनिमल को देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे टाइगर, अब आपसे टाइगर अलग हो गया, अब टाइगर किसी भी तरह से तो इंसान तो नहीं दिखता है, लेकिन आपसे वो पूरी तरह से अलग हुआ नहीं, यानी वहां पर अब टाइगर्स की एक अलग स्पीसीज बनेगी, यहां पर इंसानों की एक अलग स्पीसीज बनेगी। उसी तरह से आपने आम देखा होगा, तो अब जैसे हम लोगों ने कहते कि सर अब आम देखा होगा तो आम की एक अलग स्पीसीज है, वहां पर जब स्पीसीज से वो अलग होगा तब वो वैरायटी आएगी, यानी हम इंसानों में हम लोगों ने ये क्या बना, ये वैरायटी बना के रखी हुई है कि तुम ठाकुर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, ये सब हमने वैरायटी बना करके रखी हुई है। लेकिन अगर हम गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गॉड सोचते ये इतनी पूरी इंसान है, वो उतना पूरा पेड़ है, ये इतने पूरे जानवर हैं, और उन जानवरों में ये शेरों की स्पीसीज है, वो प्लांट की स्पीसीज है, तो ये सब जिसमें अलग अलग एक ही ऑर्गेनिज्म के वैरायटीज दिखे तो उस वैरायटीज को हम लोग कह देते हैं क्या, स्पीसीज। तो अब क्वेश्चन होता है कि स्पीसीज की डिफिनीशन क्या होगी, तो देखिए एक स्पीसीज की डिफिनीशन कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल सी बात है, हम ऐसे ग्रुप ऑफ एक पर्टिकुलर की नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे पूरे एक उसी जैसे देखने वाले सभी ऑर्गेनिज्म की जो एक जैसे दिखें और उनके पास एक कॉमन क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यानी उनके लक्षण एक जैसे दिखें, कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। अब कैन इंटरब्रीड मतलब वो अपने ही जैसे जीव जातियों के साथ इंटरब्रीड करके नए प्रोजनी को प्रोड्यूस कर सके, तो अगर ये नहीं है तब वो स्पीसीज नहीं है। मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, मतलब हम कभी हम एक मगरमच्छ और एक छिपकली को आपस में क्रॉस नहीं करा सकते, हम कभी एक सांप का एक घोड़े के साथ क्रॉस नहीं करा सकते, क्योंकि ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, तो हम इसको स्पीसीज नहीं कहेंगे। सांपों का सांपों में इंटरब्रीड हो, घोड़ों का घोड़ों में इंटरब्रीड हो, फूल का फूल में इंटरब्रीड हो, तो ऐसे जो अपने ही किसी जीव जाति के साथ इंटरब्रीड करते हैं उन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया, जैसे ह्यूमंस, तो ह्यूमन का हम लोग साइंटिफिक नाम जानते हैं क्या है, होमो सेपियंस। अब होमो इसका जीनस नेम है और सेपियंस इसका स्पीसीज, यानी हम लोगों की जाति क्या है, सेपियंस। अगर होमो देखा जाए तो बंदरों में आपने वो देखा होगा, बनमानुष देखा होगा, जिसको आप लोग गोरिल्ला कहते हैं, चिंपैंजी कहते हैं, तो ये काफी कुछ इंसानों के कोएंसेस्टर्स हैं, एक दूसरे काफी सिमिलैरिटीज रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम उनसे इस नाते डिफर हैं क्योंकि हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो सेपियंस को साइंटिफिक भाषा में बुद्धिमान कहा जाता है, यानी हम बंदरों की स्पीसीज हैं लेकिन हमारे अंदर क्या पाया जाता है, ब्रेन पाया जाता है, हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, इस नाते इसको सेपियंस कहते हैं। टाइगर की बात करें तो इसका नाम पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा बात करेंगे तो इसमें आपका शेर, चीता, बिल्ली और लकड़बग्घा, तेंदुआ, ये सब आ जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा टाइग्रिस एक विशेष प्रकार की ऑर्गेनिज्म का नाम, जिसके पूरे बॉडी पर स्ट्राइएशंस मिलता, माने आपको उनके बॉडी पर ऐसे ऐसे धारियां दिखेंगी। तो जिन जिन शेरों के ऊपर ऐसी धारियां दिखें तो वो टाइग्रिस है, जिनके ऊपर धारियां न दिखे तो वो लायन होगा, उसको लियो कहते हैं उनका, जैसे लायन का साइंटिफिक नेम हो जाएगा पैंथेरा लियो हो जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर धारियां दिखें वो टाइग्रिस हो जाएगा, जिसको हम लोग शेर कहते हैं। अब दूसरा है मैंगोज। अब आपने कहा मैंगी फेरा इंडिका, ये बहुत अच्छा नाम है मैंगी फेरा इंडिका, यानी पूरे विश्व में आम की जो सबसे अच्छी वैरायटीज उगती है वो कहां उगती है, इंडिया में उगती है। इस नाते उस
मैंगो की उस स्पीसीज को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इकोसिस्टम पे। अब इकोसिस्टम क्या होता है? देखिए इकोसिस्टम वो पर्टिकुलर एरिया, जैसे हम और आप यहां पर हैं, अब यहां पर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं और कैमरे के पीछे उस साइड पढ़ने वाले आप वो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन सोचिए हमको और आपको कनेक्ट कौन करता है? ये कैमरा जो हमको और आपको बीच में स्मार्टफोन के माध्यम से हमें और आपको कनेक्ट करता है, यानी आप और हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके बीच हमें कम्युनिकेट करने वाला ये कैमरा, ये वायर, ये क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हम दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट करके क्या करते हैं? ज्ञान को एक्सपेंड करते हैं। यानी एक ऐसा समुदाय या एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके बीच में ये कैमरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चाक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ब्लैक बोर्ड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन मिलकर के कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्टडी, ऑनलाइन स्टडी। तो इस ऑनलाइन स्टडी में हम और आप मिलकर के जिस ज्ञान को एक्सपेंड कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं एक इको सिस्टम। अब इसको बड़े स्केल पर सोचिए, बड़े स्केल पर सोचिए एक बड़ा सा जंगल। अब उस जंगल में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले जंगल जैसे आप सोचेंगे तुरंत आपको बहुत सारे पेड़, बड़े बड़े बीज और पेड़ दिख जाएंगे। अब उस पेड़ में आपको बीच बीच में आपको पेड़ पे सांप दिख जाएगा, नीचे आपको शेर भालू चीता दिख जाएंगे, उसी में आपको घास भी दिख जाएगी और उसी में आप इंसानों को भी सोच लीजिए। तो सोचिए जितने अभी तक मैंने जितने ऑर्गेनिज्म की बात की है, तो इकोसिस्टम क्या होता है? मैंने बताया है कि इकोसिस्टम जो होता है एक ऐसा प्लेस जहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों मिलकर के एक दूसरे को क्या करते हों, इंटरेक्ट करते हों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं हैबिटेट। अब क्वेश्चन होता है हैबिटेट क्या होता है? देखिए हैबिटेट मतलब होता है, आप अपनी भाषा में कह सकते हैं निवास स्थान। इसको अपनी भाषा में निवास स्थान कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप कहां रहते हैं, जैसे आप हैं तो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आप किसी न किसी भूमि पर ही रहते हैं, लेकिन आप कहाँ रहते हैं? तो आप पर्टिकुलर अपने एक लैंड का नाम लेते हैं या फिर एक अपने मोहल्ले का नाम लेते हैं या एक कमरा नंबर का नाम लेते हैं, यानी आपका अपना एक एड्रेस है कि हम आपको उस एड्रेस पे ढूंढेंगे तो आप मिल जाएंगे। उसी प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं और उन्हीं हैबिटेट को हम लोग उनका क्या कहते हैं? निवास स्थान। यानी निवास स्थान मतलब वो नेचुरल प्लेस जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म या उनकी पूरी जो जाति होती है वो बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पे फ्लोरिश और फर्निश होती है, मतलब वहाँ पे अच्छे ढंग से उगते हैं, पैदा होते हैं, तो उन स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा पांडा, आपने देखा पांडा कहाँ मिलता है? तो आपने कहा होगा कि वो तिब्बत के जंगलों में मिलता है, यानी चाइना के रीजन में मिलता है, पांडा हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए भारत की बात करें लायन कहाँ मिलता है, तो आपको क्या लायन हर जगह दिखेगा? नहीं, आपको उसको देखने के लिए गिर राजस्थान जाना पड़ेगा। इसमें देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ लायन कहाँ मिलता है? गिर में मिलता है। ये इसका गिर क्या है? पर्टिकुलर हैबिटेट है। अगर हम आपको राइनो की बात करें, यानी वन हॉर्न नाई राइनो कहाँ मिलता है? ये काजीरंगा असम में मिलता है, तो असम क्या है? उसका पर्टिकुलर हैबिटेट है। अगर आपको हाथी देखना है तो कहाँ जाओगे? केरल जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर वो एरिया है जहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या को खूब संख्या में पैदा करता है और वो वहाँ पे बैठे अच्छे ढंग से और बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है द नेचुरल प्लेस आर इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हाँ, तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कहती है? ये कहती है कि आखिर आपको इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिफिकेशन की क्या जरूरत है? देखिए हमको अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग चीज प्राप्त होता है। जैसे क्लॉथ के लिए क्या चाहिए? हमको कपास चाहिए, यानी कॉटन चाहिए, और कॉटन हमको एक प्लांट से मिलता है। तो आपको कॉटन के लिए आपको कॉटन सीड्स बोना पड़ेगा। मेडिसिन आपने देखा होगा जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं कहाँ से मिलते हैं? किसी न किसी प्लांट से मिलते हैं। मिनरल्स अगर आप कोई कहीं भी रहते हैं तो आपको लोहा, आपको मेटल्स किसी न किसी रूप में चाहिए ही चाहिए, तो मिनरल्स। और जैसे बात सबसे जिंदा जरूरी एयर, सांस, जिंदा रहने के लिए वाटर, जिंदा रहने के लिए फूड। अब आप मुझसे पूछता हूँ कि ये सब चीज़ मिलती कहाँ से? क्या स्पेस से मिलता है? क्या आपको एलियंस आके दे जाते हैं? नहीं,
हम इसी पर्टिकुलर लैंड्स में रहते हैं, हम खेती करते हैं और हम अपनी जरूरत की चीज़ों को पैदा करते हैं और हम उनको लेकर के अपनी अपनी सर्वाइवेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो बिलोंग करता ही है, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करता ही करता है। और जब ये किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात तो वो हम लोगों के लिए, हम लोगों की लाइफ के लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन्हीं को कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। आखिर क्वेश्चन ये होता है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी कितनी एक अमूल्य, हम लोग पास जो वेल्थ है उस वेल्थ को हम क्यों लॉस कर रहे हैं या कैसे लॉस हो जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। वो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काटना। जैसे डाइवर्सिटी को लॉस करना, करने में जंगल को काटना एक सबसे बड़ा कारण बनता है। क्यों कारण बनता है? क्योंकि एक जंगल आप जब काटते हैं तो आपको चाहिए केवल या तो जमीन चाहिए या तो आपको कुछ लकड़ियां चाहिए। लेकिन अगर वो जंगल कटता है तो जंगल में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे जमीन पे रहते हों या पेड़ पे रहते हों, उन सब का पूरा घर क्या हो जाता, उजड़ जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉरेस्ट्री, यानी डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काट देने को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर हम जंगल या पेड़ क्यों काटते हैं? तो रीजन क्या है? बिल्ड हाउस, हमको घर बनाना होता है, डैम, कभी कभी तो देखिए आपने सरकार जब डैम बनाती है तो जिस पर्टिकुलर एरिया में वो पानी इकट्ठा करना होता है उस पूरे एरिया को खाली करा देता है। रोड आप सभी जानते हैं आजकल नेशनल हाईवेज के प्रोग्राम बड़े तेजी से चले हैं, इसमें तो वो हर जगहों को काट काट करके सड़कें बना रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं। फैक्ट्रीज लगानी होती है तो फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ा लैंड एरिया चाहिए, तो जैसे पता वो पुराना जो कोई जंगल देख करके ही काटते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या कि हम लोग अपने ही अपने के लिए क्या चाहिए, एक जमीन चाहिए खेती करने के लिए, तो भी हम लोग क्या करते हैं, जंगल को ही काटते हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा रीजन कि और डाइवर्सिटी क्या वाला होती है, ओवर ग्रेजिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बकरियां चराते हैं, भेड़ चराते हैं, और चराते चराते उनको जंगलों में लेके आते, कुछ लोग गाय गोधन चराते हैं, पशु चराते हैं, तो वो उनको चराते चराते जंगल में हाँक देते हैं। अब वो जंगल में चूंकि उनको क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी मास का, मिसेस कर वो जो खाने वाले होते हैं, वो अपने बॉडी मास का करीब 75% वो ईटिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात वो इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं कि वो वहाँ से जमीन से निकलने वाले सभी प्रकार के प्लांट और ऑर्गेनिज्म को वो खा करके लगभग समाप्त ही कर देते हैं, जो जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में फिर प्लांट नहीं उगते। तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर गवर्न होते हैं। कन्वन या आप ये कह सकते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो तो उसके बाद बात कौन क्या क्या हो सकता है। तो देखिए अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा तो उसके साथ साथ और जुड़ी घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट का बनना, यानी एक अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी को किसमें कन्वर्ट हो जाए, धीरे धीरे वो डेजर्टिफिकेशन कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए जिस मिट्टी से प्लांट काट दिए जाते हैं तो धीरे धीरे वो मिट्टी क्या होती है, जमीन में जो जड़ों द्वारा पकड़ी रहती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, और जब हवा चलती है तो वो क्या करती है, वहाँ की सॉइल को उड़ा के लेके चली जाती है। इसको हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। और जैसे जैसे सॉइल इरोजन होता आ जाता है तो सॉइल की जो मिट्टी होती है बड़ी हल्की होती है, लेकिन जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, तो वो काफ़ी देर तक नीचे बढ़ रहे, इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पर डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस नाते इसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, अगर हम पेड़ काट देते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर ब्लॉक होगा तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो इससे हमारे इन्वायरमेंट में हर साल हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ जाएगा, और लगातार इससे बढ़ते रहने की वजह से क्या होगा, ग्लेशियर्स इतने पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और तीसरा कंडीशन है इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब जाहिर सी बात है सॉइल अगर मिट्टी से अगर प्लांट कटते हैं तो प्लांट के कटने से सबसे पहले बात वहाँ की जो बायोलॉजिकल साइकिल्स होती है, जो मिट्टी के अंदर होता है, जो डिकम्पोजर्स और प्लांट के बीच में होता है, वो खत्म हो जाएगा। और अगर वो खत्म हो जाएगा तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी वो मिट्टी पानी को कम होल्ड करके रहेगा, और जो भी पानी बरसेगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इससे आपकी वो सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, वहाँ पर कभी कुछ भी उगेगा नहीं। और चौथा है एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा
कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लगभग लगभग विलुप्त हो गए हैं। जैसे याद करिए, एक पक्षी है डोडो। वो डोडो पक्षी किसी समय ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में पाया जाता था और वहाँ के लोगों ने धीरे धीरे क्या वो उसको खा खा करके ख़त्म कर दिया। ये एक फ्लाइटलेस बर्ड था और वो पूरी तरह से लगभग 17th सेंचुरीज में ही वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो गया। वर्तमान समय में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लगभग विलुप्त के कगार पर हैं। उसमें से अगर आप देखा जाए तो ये जाइंट पांडा, पांडा लगभग ख़त्म होने को है। आपने देखा होगा ये लायन ख़त्म होने को हैं। तो ये सब सारे इस ऑर्गेनिज्म का, अगर प्लांट को काट देंगे तो जाहिर सी बात है ये भी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।